निकलो मार दिया मेरे को। एक बंदा नॉक है जिसका बटन गन है। मेरे पास गन नहीं है। ओए बेकार दिया इसको। वेलकम दी बैक टू अवर न्यू वीडियो PUBG मोबाइल एल के एक और बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले में आप सभी का स्वागत है। और गाइज आज का गेम प्ले द मोस्ट इंटेंस गेम प्ले एवर, मतलब भाई बहुत ही खतरनाक गेम प्ले, एक पूरा कम्पिटिटिव वाला सीन हुआ पड़ा था। तो भाई गेम प्ले देखना एंड तक, भाई मजे 100%, मतलब आपके पैसे वसूल गेम प्ले है। तो भाई हम जा रहे थे पोचिंकी के अंदर, बिल्कुल मतलब भाई घुस के मारना था यार, फुल रस पे रस। भाई कैंप करना मतलब बस की बात नहीं है, वो अलग बात है कभी कभी कर लेते हैं मजबूरी के अंदर, बट हमेशा करनी बात नहीं है। तो हम जा रहे थे पोचिंग की, और भाई पोचिंकी के अंदर शायद से मतलब 2-3-4 स्क्वाड आई हुई थी, मतलब 20 के करीब बंदे थे। तो मतलब मजे बहुत आने वाले थे। तो भाई हमने भाई सोचा कि भाई आज मतलब हाईएस्ट किल का वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ तैयार करते हैं। देखोगे गारंटी ले सकता हूँ आपके 100 से 100 पैसे वसूल है। प्लस हमने जो एक वो टिकटॉक पे वायरल ट्रेंडिंग जो ब्रिज ब्लॉक वाला कुछ सीन है जो चाइनीज करते हैं, जो भी करते हो, बट वो वायरल चल रहा था, हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। और हमसे थोड़ा बहुत हुआ, अभी कैसा लगा आप सभी को बताना, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में डाला था वो कमेंट्स में, अभी जाके कमेंट्स करके बता दो हमको। और वही बात है भाई, वार्डरोब पे लूट के नाम पे आज के दिन में क्या मिलता है, बहुत बड़ा सारा धब्बा। तो हमको वही मिला, कुछ लूट के नाम पे मिला नहीं। काफ़ी देर पूरे कंपाउंड अच्छे से लूट पूट करके हमको थोड़ी गन मिली। टीममेट अभी भी भूखे मर रहे थे, वो कह रहे थे भाई हमें भी गन दे दो यार कोई हो। तो मैंने कहा भाई ये लो यूजी, मतलब गरीब आदमियों को हम अमीर आदमी ऐसे देते रहते गन्स। तो फिर भाई इधर बंदे आ गए थे, मतलब बंदे के आगे थे, हम बंदों के पास चले गए थे। तो देखो इनको कैसे लपेट रहा हूँ मैं इन बंदों को। ये बंदा टीपीपी ले रहा था, बट इसने मेरे को शायद देख लिया, बट कोई बात नहीं, इसका भी अंत आने वाला था। अभी देखो इसको कैसे मतलब क्या ही घुमा फिरा के लपेटते हैं। अबे किधर से मारा मेरे को, अच्छे से इधर आ जाओ। और भाई इस बंदे ने मतलब पता नहीं कैसा टैलेंट ले रखा था कि मेरे दो बंदों को कैसे नॉकआउट कर गया, मेरे को समझ नहीं आया कैसे मेरे बंदे, या उनके पास हेलमेट वेस्ट नहीं थे या कैसे भी, बट वो नॉकआउट हो गए। और एक तो भाई मतलब चड्डी पिट्टी खत्म ही होगा, क्योंकि ओल पे जो मतलब हम बंदों को मारेंगे तो भाई थोड़ी सी कमेंट्री करने वाला बंदा चाहिए, हमने उसके लिए एक नंबर को मतलब ख़त्म कर दिया। तो भाई यहाँ पे मतलब अब मेरे को पता चल चुका था इस साइड भाई जाना मतलब खतरे की घंटी बजाने वाली बात है, क्योंकि भाई उस साइड पूरी की पूरी स्क्वाड हम पे मतलब ऐसे एम लिए खड़ी है, आओ कोई हम भरते हैं आपको। तो भाई मैंने पूरा इंतजार किया, और दूसरी साइड मतलब हम पूरा राइट से मतलब पूरा धीरे धीरे फ्लैंक करके आए, और मैंने कहा इधर से आ जाओ साथियों, इधर करेंगे स्कैम। तो यहाँ पे मैंने भाई इस घर में बंदा जाते हुए देख लिया था, तो मैंने स्मोक करके थोड़ा सा मतलब उसका विजन वगैरह ब्लॉक करने की कोशिश की, क्या पता भाई सीढ़ियों पे बैठ के ही ले रहा हो टीपीपी और हमारा भर दे। तो भाई हमने आराम से धीरे धीरे पुश किया, प्लस ये फाइट बहुत लंबी चलने वाली है, तो देखो उसके बाद बात करते हैं आपसे। साइड वाले घर में बंदा छत पे, छत पे नीचे हमारे घर से ऊपर बाहर बंदा है।
तुम लोग कपड़ा चेंज करो भाई, मैं तो उसको ऐसे सही कमाल। गाइज यहाँ पे मतलब जीरो, बिल्कुल जीरो एचपी पे मैंने ऐसे क्लच किया ना दो बार, मतलब भाई क्लच क्या बोले, बंदों को मारा ना भाई, क्या ही कहने। और प्लस मेरा टीममेट खुद का कंफ्यूज हो गया, भाई ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, मतलब तुमने भाई मेरे को, मतलब ये लग रहा है कि कोई बोट आ रहा है, कैसे भी तुम पे ही फायर करता जा रहा हूँ। तो मतलब भाई मेरे को एक बार तो लगा गलत है, बट मैंने कहा भाई जब हम बोट वाले कपड़े पहनते ना लोबी में भाई, मतलब तबाही मचा देते हैं। तो मैंने कहा ये हम नहीं उतारेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाई पूरा गेम प्ले बस इन्हीं कपड़ों में निकालेंगे कैसे भी भाई। फिर पोचिंग की मतलब और बंदे नहीं थे, फिर एक आधा बोट आया, बोट तो वही बात है फाइट के बाद आते ही हैं, चाहे कहीं भी चले जाओ भाई इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी हमारे बस की बात नहीं है कि हम बोटों को रोक दें भाई। अब लूट का भंडार हमारे पास इतना था कि भाई मैं क्या बताऊँ कितना भंडार था, सब कुछ था हमारे पास, मतलब बस एक हेल्थ को छोड़ के, मतलब पबजी में हेल्थ मिलना इज इक्वल टू 50 साल के बुड्ढो को एक 15 साल की लड़की, 15 तो छोटी बोल गया, 21 साल की लड़की के साथ साथ देना, मतलब बहुत बड़ी बात। तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, हम यहाँ से फिर भाई अपनी गाड़ी निकालते हैं। और एक आगे फ्लेयर चली हुई थी अपार्टमेंट्स में, स्कूल अपार्टमेंट्स जहाँ पे शायद दुनिया का सबसे नशे वाले काम होते हैं, वहाँ पे मतलब पुश करना इज इक्वल टू मौत के प्रचंडताओं से, कोरोना वायरस से लड़ना, ऐसी वाली बातें हैं भाई, बहुत खतरनाक है अपार्टमेंट्स में पुश करना। तो गाइज वहाँ पे देखना हम कैसे उन बंदों को मारते हैं, प्लस क्या ही स्कैम करते हैं उन बंदों के साथ भाई, बहुत तकड़ा वाला करेंगे। हम पहले तो आते हैं कि किधर फ्लेयर चली, इस अपार्टमेंट में चली थी जो इधर स्टार्टिंग वाला होता है, बट हम इसमें नहीं रुके, रुके एक बार इनको आराम से चेक किया। और भाई चेक करके मैंने देखा ये चार बंदे हैं और चारों के चारों तकड़े कैंपर हैं, तो हम उस घर को छोड़ के दूसरे घर में आ गए भाई। बिकॉज कैंपर से लड़ना मतलब कि भाई मौत को बुलावा देने वाली बात है, मतलब मैं मतलब ज़्यादा करता हूँ तभी, मतलब में एक बंदे ने ऐसा नेड़ फेंका मेरा मतलब ही ख़त्म होने वाला था। मेरे को एक बार तो लगा भाई मतलब मेरा पेट पे आदर दिया गया था, तो मैंने सोचा भाई बस मतलब अब पबजी वाले हमसे संन्यास लेना चाहते हैं, बट हमारे टीममेट ने कहा तुम इधर आओ मैं तुमको देता हूँ आशीर्वाद। तो हमने पूरा अच्छे से आशीर्वाद लिया हमारे टीममेट का अहम ब्रह्मास्मी, और भाई जब तब मैं रिवाइव होता भाई वो बंदों ने पुश कर दिया, मैं भाई क्या ही तुम्हारे अंदर नशे यार, थोड़ी सी हेल्थ बढ़ाने दो, क्यों मेरे को मारने वाले हो। तो गाइज ये वाली फाइट भी अब काफ़ी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं बीच में वॉइस ओवर करके आपका मजा खराब नहीं करना चाहता, तो देखो घुसे आ रहे आ रहे को ले गया भाई साहब, भाई साहब दो को ले लिया है। तो गाइज ये वाला गेम प्ले आपको, मतलब गेम प्ले कह रहा हूँ, क्लच कैसा लगा? बिकॉज भाई क्लच हम जब करते हैं ना, मतलब हमारी टीममेट अलग ही उत्तेजित, अलग ही मतलब उनका पता नहीं क्या ही चला जाता है, वो अलग ही बातें करते हैं, अलग ही नशे होते हैं उनके अंदर, वो भाई मतलब ओल पे बातें करेंगे, दम में तो आ जाइए, वो जो नहीं होता मतलब बिल्कुल क्रेजी वाली बातें भाई, वो वाली बातें होती हैं। तो भाई मतलब ये मैं कभी विदाउट वॉइस ओवर करके आपको गेम प्ले पूरा डाल के दिखाऊँ, अगर डालना है तो कमेंट में बताओ विदाउट गेम प्ले पूरा, टीममेट मतलब मेरे टीममेट क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं भाई, मतलब आपको कह रहा हूँ मेरी वॉइस ओवर से ज़्यादा मजे आएंगे वो वाली वीडियो देखने में, जिसके अंदर मैं वॉइस ओवर ना करूँ और मेरे टीममेट बोले, क्योंकि भाई वो इतने खुद फन करते हैं ना, मतलब मज़ा आ जाता है मतलब वो देख के। तो अगर वो देखना है तो आप मतलब कमेंट कर देना भाई। फिर हम भाई बात है अपार्टमेंट में, अब हम क्या थोड़ी घर थोड़ी बसाना था, यहाँ से निकले अपनी गड्डी लेके, रास्ते में मोड़ तो बहुत सारे आए, पूरा कम्पिटिटिव वाला सीन देख रहे हो, छोटा सा जोन बचा और 26 बंदे लाइव हैं भाई। अब हमको पता था जहाँ भी जाएंगे हर जगह बंदे पाएंगे, क्योंकि भाई मतलब आज के दिन में जो रैंक पुश प्लस कैंपिंग की जो हद होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, मतलब हो चुकी है। तो हम क्या करें, हमारा तो मकसद था बंदों को मारना, तो हमने इधर देखा, इधर कुछ नहीं हुआ, बट हमारा वही बात है ना, रेंडर होना आज मतलब दुनिया में जब कोई पबजी में बंदा दिखता है तो कहते हैं इनमें, बट हमारे क्या कहते हैं रेंडर हो रहा है बंदे हैं। तो भाई हमने इस कैड हाउस में पुश किया और यहाँ हमारे को आते हैं फुट स्टेप्स। तो देखो इनके साथ भाई मतलब मैं तो ज्यादा स्कैम नहीं करूंगा, मेरे टीममेट स्कैम करेंगे इसमें।
अरे अरे इधर से कैम कर सकता हूँ मैं करूँ कैम कर दूंगा साले से नेड़ा नॉक नीचे नीचे कैम करने ही नहीं हुआ भाई यहाँ पे गलती से मेरे को एक किल मिल गई वरना मेरे टीममेट जो है ना भाई किल चोर इतने तकड़े हैं उन्होंने कहा किल नहीं देंगे कुछ भी हो जाए बट भाई मैंने कैसे ना कैसे करके बेचारी इस हमके का पूरा उपयोग करके एक किल निकाल दी कैसे ना बट डैमेज मैंने जरूर बढ़ाया उनको नॉकआउट को डैमेज दे दे के और मेरे टीममेट ओल पे कह रहे भाई को ये ओल पे है कैसे वैसे भाई उनका काम है बकवास करना वो करते रहते हैं तो भाई बट अब जो इससे जो नेक्स्ट क्लच होगा ना गाइस मैं कह रहा हूँ वो मेरे क्या मतलब आप देख के भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे बिकॉज ऐसा क्लच है ना क्या ही क्लच हुआ जोन देख रहे हो बिल्कुल छोटा लास्ट जो सेकंड जोन होता है वो वाला जोन है भाई मतलब मैं कोई शब्द नहीं है ऐसा क्लच होगा अभी का भी आप देखोगे तब पता चलेगा हम यहाँ से अपनी वही बात है गड्डी लेके मोड़ तो बहुत सारे आते हैं बट मोड़ पे मुड़ना नहीं है तो हम निकल जाते हैं वही बात है वो बुलाते हैं मगर जाने का नहीं अब देखो वो क्लच होगा स्टार्ट इधर हम आए हुए थे क्योंकि इधर हुआ था थोड़ा सा स्मोक क्योंकि इस साइड थे बंदे तो यहाँ से जो बंदे थे वो इनकी गाड़ी को निकाल के यहाँ से फुरफुस हो चुके थे मतलब भाई भाग गए थे तो अरे इधर आ गया मैं कोई शोर नहीं कर रहा बिकॉज़ द मोस्ट इंटेंस गाड़ी आ गई साला पहुंचा मुझे इधर आ जाओ इधर ओए रे रे मार दे अपने साइड जहरीला सांप भाई जहरीला सांप नागे नचरा डलिया डस लिया भाई डस लिया चारों को मारो मुझे ओ भाई लाइट्स मार दे साले तो गाइज यहाँ पे मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकता कैसा क्लच हुआ आपने मेरे टीममेट की आवाज़ में सुन ही लिया तो आप देख सकते हो कैसा क्लच हुआ मतलब मेरे पास शब्द तो है ही नहीं हम क्या ही बताएं मतलब क्या ही बताएं कुछ शब्द नहीं हमारे पास तो अब जो होगा जो एंड का जोन आ चुका है बिल्कुल एज के ऊपर भाई अब हमारी स्टार्ट हो चुकी थी खिंडनी फटनी जो भी लगा लो बिकॉज स्कैम होने वाला था हमारे साथ हमने टीममेट अब तक तो हमने बंदों के साथ बहुत स्कैम किया कोई लेट के कोई उठ के कोई पेट के बट भाई अब हमारे साथ स्कैम होने वाला था तो आप देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से मजे आएंगे तो अब मैंने भाई अपनी जो स्मोक की पेटी पहले से भाई फुल भर के धर रहे थे रख रहे थे अब वो पेटी हम खाली करने वाले थे क्योंकि भाई जोन हमसे दूर मतलब हमसे जुदा होना चाहता था कह रहा था हम आपके पास नहीं रुकेंगे तो हमने कहा भाई ऐसा तो हम होने नहीं देंगे हमने भाई पूरी कोशिश की जोन के अंदर जाके इतने स्मोक कर दिए भाई इतने स्मोक कर दिए ना 10 के 10 स्मोक कर दिए तो भाई हमने की क्लोजिन और भाई उनका आना हुआ ऐसा फायर मतलब क्या ही बताऊं कैसा फायर है उन बंदों का आप खुद देख के चुप जाओगे ये तो गलत है भाई कुछ नहीं खेल खेल तो खेल स्मोक कर ले जल्दी से जल्दी से स्मोक बन जाओ
तो गाइज यहाँ पे हो गया हमारे साथ स्कैम, और भाई गेम प्ले और सेकंड आए वो कोई बात नहीं, बट गेम प्ले कैसा लगा, कैसा फनी था, क्या था, जो भी था अच्छा था। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। और कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना।